नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम दोबारा आ चुके हैं वीडियो को लेके ज्योमेट्री के बारे में, और ज्योमेट्री के अंदर हम जानेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, सर्कल कैसे काम करता है उसके अंदर, और उसमें क्वाड्रिलेटरल देखेंगे हम, ट्राइंगल ट्राइंगल देखेंगे हम यहाँ पर, उसके अंदर हम क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, उसका सर्कल देखेंगे, सारी अलग अलग चीज़ें जानेंगे हम इसमें। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बात हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरी लाइन के कॉन्सेप्ट समझा दिया, इसके बाद ट्रायंगल पे आते हैं। तो ट्रायंगल में तुमको क्या चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, सबसे पहली बात ट्रायंगल में सबसे पहली बात तुमको जानना ज़रूरी है क्या, कि ये एक तीन साइडेड का एक बंद आकार का एक ऐसा तीन, बेसिकली मैं आसान भाषा में कहूँ तो तीन साइड का एक ऐसा शेप होता है जो कि आपस में बंद होता है, ठीक है, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, और उसकी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसके बाद आगे ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल 180 डिग्री, और एक्यूट यानी कि उसमें से सारी साइडें उसकी छोटी हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटी हैं। ऑब्ट्यूज एंगल एक साइड उसकी 90 से बड़ी है। और अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो सबसे एक्यूट एंगल, अगर तीनों एंगल हमारे एक्यूट बनाने हैं हमको, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही एक ऐसा है जिसमें हम उसको ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 60 60 60 आता है उसमें, ठीक है। इसके बाद और अगर चीज़ें हम देखें यहाँ पर, तो ट्रायंगल की साइड के हिसाब से, ये तो हम लोगों ने एंगल के हिसाब से बता दिया था, सारी हमारी एंगल की बातें हुई थी यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सारे बेसिस ऑफ द साइड, साइड के बेसिस पर ट्रायंगल्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है या उनका आगे चल के जो उनका इंडिकेशन है वो कैसे करा जाता है, तो सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनके तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनकी दो साइडें इक्वल होती हैं आपस में, और एक साइड अनइक्वल होती है, यानी कि बेसिकली दो साइड है तो एक साइड इक्वल नहीं होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल है। इसके बाद बात आती है मिड पॉइंट थ्योरम की। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा समझने की चीज़ ज़्यादा है नहीं इसमें, कि आपको मैं रिवाइज भी करवाता जा रहा हूँ धीमे धीमे, आप कुछ क्लिक करते आएंगी माइंड में चीज़ें वो सारी। तो मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग की क्या कहती है, कि जब भी एक ट्राइंगल होगा और उसमें एक ऐसा DE करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जाएगी ट्रायंगल के अंदर, और दो ट्रायंगल की साइड को टच करेगी आपस में, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा आपस में वो बराबर होगा सबसे पहले, यानी कि AD रेशियो DB इक्वल्स टू AE रेशियो EC। उसके बाद यहाँ पर DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, इसको भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था वो एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो किसके लिए होती है, जब दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दी जाए या फिर आपस में उनकी सिमिलैरिटी दिखा दी जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं इसके बारे में। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन ऑफ देम इज सपोज टू ऑन द एस फॉर एस। मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए पढ़ना ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। SAS, AA और SAS और RHS, ये सारी यानी कि साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल के बीच में एक साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि कैसे। सबसे पहले SAS जान लेते हैं, साइड एंगल साइड यानी कि जैसे कि ट्राइंगल है ABC और एक एंगल है X, तो ये AB और BC के बीच में एक एंगल बराबर आ रहा है, तो ये एंगल बराबर है इसके, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। बात करें एंगल एंगल साइड की, तो ये हो गया एंगल एंगल है, बीच में सो गई साइड। अब मैं बात करूँ यहाँ पर क्या एंगल एंगल साइड की, इसके बाद आप आती है RHS की, 90 डिग्री आ गया, RHS हो गया ख़त्म कहानी। इसका सिमिलैरिटीज बिटवीन ट्राइंगल्स, जब भी दो ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड इज आर प्रोपोर्शनल। जब भी करस्पॉन्ड जैसे कि मैं आपको ट्राइंगल की बात करूँ, जैसे कि मान लो इसी में कर लेता हूँ मैं आपस में, ये एक ट्राइंगल है ADE और एक ट्राइंगल है ABC, ये दोनों आपस में सिमिलर है कि नहीं है इनको बताने के लिए हमको ये पता होना चाहिए, जैसे कि जो भी यहाँ पर लिखा भी है कि दो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल्स,
साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए और एंगल करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं आपको जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, बेसिकली चार साइडों का एक क्लोज्ड एक स्ट्रक्चर। या फिर मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँ कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी चीज है 2D प्लेन में जो कि चार भुजाओं से बनी हुई है और क्लोज्ड है। जैसे कि मैं कुछ भी बनाऊँ, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, तो ये ए बी सी डी से बनने वाली जो चीज़ बनी है ना हमारी, ये हमारी ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं। अगर मैं चाहूँ तो सिमिलैरिटीज़ जैसे जैसे बनती जाएगी उसको हम उसके नाम के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कुछ एंगल के बीच में हमने सिमिलैरिटी दिख रही, 90 डिग्री दिख रहा, हमें चारों साइड बराबर दिख रही, तो हमारे लिए स्क्वायर हो गया। हम लोगों को दो अपोजिट साइड बराबर दिख रही हैं तो हमारे रेक्टेंगल हो सकता है। कुछ अगर आड़ा टेढ़ा आ रहा है, कुछ डायगोनल के बीच में कुछ अंतर मिल रहा है तो उसे हम रोम्बस कहेंगे। ऐसे आगे चल चल के हमको सारी चीज़ों में अंतर दिखाई देता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में कितने प्रकार के होते हैं पहले उनको जान लेते हैं। पैरेललोग्राम सबसे पहले आता है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। दो पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड ऐसे इंटरसेक्टिंग करती हुई, ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। क्या है यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से जान लेते हैं क्या बताया जा रहा है हमको। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जो कि मैंने आपसे कहा कि ऐसे, मैं आपको किताबी भाषा में समझाने की कोशिश कम करता हूँ क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आता है। मेरे आपके कॉन्सेप्ट अगर मेरे आपके दिमाग में आ गए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने क्या कहा, दो, मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, दो साइडें लो ऐसी पैरेलल, उसके बाद दो साइडें आड़ी में लो पैरेलल, जो अंदर बना वो हमारा पैरेललोग्राम है। सिंपल, ख़त्म कहानी, ठीक है। इतनी सी चीज़ ही होती है। पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे आगे समझ में आएंगी। स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड 90 डिग्री और जितने हमारे एंगल है वो साइड 90 डिग्री और चारों साइड है इक्वल। इसके बाद पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड आर इक्वल एंड पैरेलल एडजेसेंट साइड इज 90 डिग्री इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द एंगल आर एडजेसेंट आर 90 डिग्री आर कॉल्ड रेक्टेंगल। यानी कि एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं इसकी, और अब इसकी पैरेलल साइड आपस में इक्वल है और ये 90 डिग्री है। रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। यहाँ पर पैरेलल रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी साइड आपस में इक्वल है, वो हमारा रोम्बस हो गया। उसके बाद ट्रेपेजियम की बात आती है। तो ट्रेपेजियम ऐसा ही बनता है, मैं ट्रेपेजियम कितने टाइप का बनता है आपको बता देता हूँ, जो आपको देख के कन्फ्यूजन ना हो जाए इस वजह से। सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड ट्रेपेजियम तो हम ऐसे ही बनाते हैं, दो साइड इक्वल ऐसे करके। एक हम ट्रेपेजियम ऐसे ही बनाते हैं थोड़ा, और ऐसे अलग अलग करके ऐसे आड़े टेढ़े यहाँ पर ट्रेपेजियम भी बन जाते हैं। ट्रेपेजियम बेसिकली होता क्या है कि अपोजिट साइड दो यहाँ पर साइड पैरेलल हो और बाकी दो साइड जो बची हुई हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल पूरा कर रही हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट हैं यहाँ पर, तो क्वाड्रिलेटरल का जो पूरा कर रही हैं वो हमारे क्या हों, अनइक्वल हों, यानी कि अनपैरेलल हों। इसके बाद हम क्या बातें आती हैं यहाँ पर, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, एल्टीट्यूड, मीडियम, इन सेंटर और सर्कम सेंटर। इन सेंटर समझ जाओ अंदर ही बनता है ट्राइंगल के, वो इन सेंटर हो गया। मीडियम क्या हो, मीडियम क्या होती है, जो एक पॉइंट से एक वर्टेक्स, एक पॉइंट से एक, मेरा कहने का मतलब एक पॉइंट से जब वो क्या कहना मेरे को, जब एक ट्राइंगल के एक पॉइंट से, जो मैं कह रहा हूँ आप मैं दिखाऊंगा ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा, एक पॉइंट से एक साइड पर जब भी 90 डिग्री पर गिरती है तो उसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री पर नहीं गिरती है तो उसको, 90 डिग्री पर गिरती है तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, और जब नहीं गिरती है तो उसको हम मीडियन कहते हैं, यानी कि बेसिकली कुछ भी यहाँ पर। और सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट विच इंटरसेक्शन इज कॉल्ड बाईसेक्टर ऑफ द
साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। ऐसे करके हमारी चीज़ें आती हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।